जिनको कमर दर्द घुटनों का दर्द होता है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद ऐसे लड्डू है। तो चलिए बनाते हैं लड्डू, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लड्डू में कड़वाहट ना रहे इसलिए हमें एक दिन पहले ये प्रोसेस करके रखनी है। उसके लिए मैंने लिए आधा किलो मेथी, इसको हम मिक्सिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मेथी दाने को मैंने बिल्कुल दरदरा पीसा हुआ है, आप चाहे तो इसको आटा चक्की से भी पिसवा के ला सकते हो, पर हमें इस तरह से दरदरा ही चाहिए होता है इसलिए मैंने मिक्सिंग जार में ही पीस लिया है। मैंने ली है एक स्टील की तपेली। आप सोच रहे होंगे कि इतना सा पाउडर और फिर भी मैंने इतनी बड़ी तपेली ली हुई है, इसका कारण ये है कि मेथी में मैं अब दूध डालूंगी और दूध डालने के कारण ये मेथी बहुत फूल जाती है, इसलिए हमें बड़ा बर्तन यूज करना है। आधा किलो मेथी में हमें 3 पाव दूध डालना है, मतलब 1/4 लीटर। और हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे लड्डू में अगर दूध डालेंगे तो ये लड्डू बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। इस प्रोसेस से आप लड्डू बनाइए, 2 महीने तक ये लड्डू आप स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। आप इस प्रोसेस को जरूर ट्राई कीजिए। तो इस लड्डू को बच्चे भी खाएंगे तो भी पहचान नहीं पाएंगे कि ये मेथी के लड्डू हैं। अब हम इसको ढक के 24 घंटे तक रख देंगे। 500 ग्राम मेथी को बारीक पीस के मैंने 750 ml दूध में 24 घंटे तक इस तरह से भिगो के रखा था। आप देख सकते हो बिल्कुल ड्राई मिक्सचर हो गया है और कितना फूल गया है। अब हम इसको सेक लेंगे। मैंने लिए एक बड़ी कढ़ाई, उसमें डाल देंगे 200 ml घी। अगर आपको घी यूज नहीं करना है तो आप मूंगफली का तेल भी यूज कर सकते हो। घी गर्म हो गया है, अब डाल देंगे मेथी। 5 मिनट तक हम हाई फ्लेम रखेंगे और इसको कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। हमने मेथी को अच्छे से सेक लिया है। अब हम गैस फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको सेकते रहेंगे। मेथी को हमने लो फ्लेम पे रख दिया है, इसको बीच बीच में हमें चेक करते जाना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। और जब तक मेथी को हम भून रहे हैं तब तक हम बाकी चीजें भी कर लेते हैं साथ में। दूसरे गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है और मैंने लिए है 150 ग्राम काजू, जिसके इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। और मीडियम फ्लेम पे हमें इनको अच्छे से सेक लेना है, ज्यादा नहीं सेकना है, बस 2-2 मिनट के लिए हम ड्राई फ्रूट्स को सेक लेंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, उसके कारण हमारे लड्डू खराब हो सकते हैं, इसीलिए हमें इनको सेकना पड़ता है। काजू को सेक लिया है, अब लिए है 150 ग्राम बादाम, उसके भी इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। 150 ग्राम मगज के बीज, इसको बहुत से लोग खरबूजा के बीज भी बोलते हैं। इन सारी चीजों को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें सेकना है ताकि ये जले नहीं। ड्राई फ्रूट सेकते हुए बीच बीच में इस तरह से मेथी को हमें चलाते जाना है। 150 ग्राम अलसी, ये अलसी बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको लेनी है तो ले सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, पर ये बहुत ही अच्छी होती है। लड्डू हेवी होने के कारण अलसी तो हमें मिक्स करनी ही चाहिए। चिरौंजी ली है मैंने, सत्तर ग्राम खसखस। मैंने जो ड्राई फ्रूट्स का आपको जो मेजर बताया है आपके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जितने ड्राई फ्रूट्स लिए उतने ही आपको लेने हैं, और आपको जो ड्राई फ्रूट स्किप करने हैं वो आप स्किप कर सकते हो, और आपको जो भी ड्राई फ्रूट और ऐड करने हो वो भी कर सकते हो। और ये है हलीम, ये आपको किसी भी किराना शॉप पे इजीली मिल जाएगी, ये बहुत ही खास चीज है, जिनका भी कमर दर्द होता है उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। इसमें विटामिन ई, सी और ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। और अगर आपके बाल झड़ते हैं, बहुत लोगों के ठंडी में बहुत बाल झड़ते हैं, तो वो ये हलीम के लड्डू जरूर खाइए, तो आपके बाल झड़ना भी बंद हो जाएगा और कमर दर्द, घुटनों का दर्द, ये सारी चीजों में तो ये बहुत ही फायदेमंद है। हलीम बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है, मतलब आप मान लीजिए जितनी मेथी कड़वी होती है ना उससे 10 गुना ये ज्यादा कड़वा होता है,
इसलिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट तक इसको सेकना है, बिल्कुल हमें इसको लो फ्लेम पे सेकना है। और जैसे तिल्ली की आवाज आती है ना सेकते वक्त, वैसी इसकी जब तक आवाज नहीं है जब तक हमें सेकते जाना है। उसी कढ़ाई में मैं डाल दूंगी घी। घी गरम हो गया है, अब डालेंगे गोंद। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल के हमें फ्राई करना है और गैस फ्लेम हमें मीडियम रखनी है ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। नहीं तो अगर हम हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करते हैं तो वो ऊपर से अच्छे से फ्राई हो जाते हैं पर बीच में से कच्चे रह जाते हैं और एकदम वो दांत में अटकते हैं, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छे से फ्राई करना है। मैंने 120 ग्राम गोंद लिया है। गोंद की मात्रा भी आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह से मैं सारे गोंद को फ्राई करके रख लूँगी। 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे और 25 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने मेथी को अच्छे से सेक लिया है। इस तरह से साइड से उसको घी छूटने लगा है, मतलब मेथी को बहुत ही परफेक्ट सेक लिया है। अब हम इसे एक कढ़ाई में निकाल देंगे। इस तरह से सेकी हुई मेथी को मैंने अलग एक कढ़ाई में निकाली है। हमें बड़ी कढ़ाई लेनी है क्योंकि सारी चीज़ों को हमें इसी में मिक्स करना है। जिस कढ़ाई में मैंने मेथी को सेका था उसी कढ़ाई में 1 किलो खारिक के पाउडर को मैं सेक लूंगी। आपको अगर लग रहा होगा कि 1 किलो खारिक इस लड्डू में ज्यादा हो जाएगी तो आप उसकी मात्रा कम कर सकते हैं, पर ठंडी में खारिक ज्यादा खानी चाहिए इसलिए मैंने 1 किलो खारिक की पाउडर उसमें डाली हुई है। और बीज अलग करके वो हो गई है 750 ग्राम। और उसी के साथ मैं डाल दूंगी 150 ग्राम खोपरा जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो खोपरा सेकते वक्त हमें घी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हमने मेथी निकाली तब ऑलरेडी कढ़ाई को घी लगा हुआ था, इसलिए मैंने घी नहीं डाला है। इसको ज्यादा सेकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खारिक और खोपरे का मॉइस्चर निकल जाए इसलिए हम 2 मिनट तक इसको सेक लेंगे। जिस कढ़ाई में मैंने सेकी हुई मेथी को निकाला था उसी कढ़ाई में मैं खोपरे और खारिक की पाउडर को भी डाल दूंगी। आप देख सकते हो खारिक और खोपरे का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह से हमें इसको सेकना है। इस तरह से दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सेम कढ़ाई में मैं डाल दूंगी 100 ग्राम घी। मेथी को सेकते वक्त हमने 200 ग्राम घी यूज किया था, अब मैंने 100 ग्राम डाला हुआ है। मैंने लिया है रागी का आटा, आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हो। आधा किलो मेथी के लिए मैंने 1 किलो रागी का आटा लिया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि गेहूं के आटे के जगह पे मैंने रागी का आटा क्यों लिया है। इसका रीजन ये है कि बहुत से लोगों को कैल्शियम की कमी होने के कारण बहुत दवाइयां गोलियां खानी पड़ती है। उस जगह पर आप अगर इस तरह से रागी के लड्डू बना के खाओगे तो कैल्शियम की कमी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। और जो शुगर पेशेंट्स होते हैं ना उनके लिए भी रागी का आटा बहुत ही हेल्पफुल होता है। गैस फ्लेम मीडियम रखना है और इसको कंटिन्यूअस चलाते जाना है ताकि नीचे चिपके नहीं। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा घी भी ऐड कर सकते हो। गोंद को फ्राई करने के लिए मैंने 100 ग्राम घी लिया था, उसमें से जो घी बच गया वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अभी भी मैंने घी डाला हुआ है। मतलब टोटल लड्डू बनाने में हमें 500 ग्राम घी लगा हुआ है। रागी के आटे को 25 से 30 मिनट तक हमने अच्छे से सेक लिया है और अब बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। जब तक इसकी खुशबू नहीं आती तब तक हमें इसको सेकते जाना है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। सेके हुए रागी के आटे को मैं मेथी के साथ ही मिक्स कर दूंगी। गर्म होने के कारण मैं इसी चम्मच से इसको मिक्स करती जा रही हूँ। अब ऐड कर देंगे गोंद और इसके इस तरह से इसको चूरा कर लेंगे क्योंकि बहुत बार बच्चे गोंद खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह से इसका बारीक चूरा कर लीजिए। और आपको अगर पसंद हो तो आप अखा भी रख सकते हो। इसी के साथ जो हमने ड्राई फ्रूट्स सेक के रखे हुए थे वो सारे ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसी के साथ इलायची और जायफल का पाउडर ऐड करना है। इसके लिए मैंने लिया है 1 जायफल और 6 से 7 इलायची जो मैंने थोड़ी सी शक्कर के साथ पीस ली है। ठंडी में जायफल खाना बहुत ही फायदेमंद होता है
इसलिए मैंने पूरा एक जायफल इसमें ऐड किया हुआ है। अब इन सारी चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जायफल और इलायची के पाउडर डालते ही बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने लिया है 1 किलो गुड़, उसको इस तरह से बिल्कुल बारीक कर लिया है। अगर हम बड़े बड़े पीसेस डाल देंगे गुड़ के, हमारी चाशनी बनती रहेगी और जो बड़े पीसेस है वो उसमें मिक्स नहीं होंगे, इसलिए हमें बिल्कुल इस तरह से बारीक गुड़ को करना है। और उसी के साथ ऐड कर देंगे पानी, पानी बिल्कुल 1 कप ऐड करना है। आप देख सकते हो गुड़ बिल्कुल बारीक होने के कारण साथ में ही सारा गुड़ पिघल गया है। और हमें चाशनी ज्यादा कड़क नहीं बनानी है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मैंने चाशनी को उबाल लिया है और वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे उबाला हुआ है और हमारी चाशनी रेडी हो गई है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी तार नहीं। और चाशनी को हमें छान के डालना है, क्योंकि अगर उसमें बारीक कंकर वगैरह होंगे तो वो साइड में निकल जाएंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल व्हाइट बारीक कंकर है, वो साइड में निकल गए हैं। अब हम इन सारी चीजों को चम्मच से ही मिक्स करते जाएंगे। गुड़ की चाशनी में हमने पानी थोड़ा सा इसलिए ऐड किया था क्योंकि लड्डू बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाए, नहीं तो अगर हम घी के लड्डू में अगर गुड़ डालते हैं तो लास्ट लास्ट वाले लड्डू बनने में बहुत ही परेशान करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। इसके पहले भी मेथी के लड्डू का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है और वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिए। उड़द की दाल और मेथी के लड्डू मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है वीडियो। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से हमें साइड में इसको जमा देना है ताकि वो जल्दी ठंडा ना हो। और अब बनाएंगे लड्डू। मिक्सर थोड़ा सा गर्म है तब तक ही हमें लड्डू बनाना है। लड्डू की साइज मैंने ये रखी है, आपके हिसाब से आप छोटी बड़ी साइज लड्डू की रख सकते हो। इसी तरह से मैं सारे लड्डू रेडी कर लूंगी। इस तरह से मैंने सारे लड्डू रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हो कितने परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हुए हैं। बहुत माताओं को ये परेशानी होती है कि बच्चों को दूध पूरा नहीं हो पाता। अगर आपको भी दूध कम आता है तो आप बना सकते हो ये लड्डू, ये बहुत ही फायदेमंद लड्डू है। बहुत से डिलीवरी हुई लेडीजों को अलग अलग कारण से दूध आना कम हो जाता है तो उनके लिए ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद है। आप देख सकते हो बिल्कुल सॉफ्ट ऐसे हेल्दी लड्डू बनके तैयार हो गए। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और इन लड्डुओं को 2-3 दिन तक तो ये कड़वे लगते हैं पर 3 दिन बाद इनका कड़वाहट बिल्कुल कम हो जाती है और कोई पहचान नहीं सकता कि ये मेथी के लड्डू है। इसके लिए एक खास ट्रिक थी जो हमने मेथी दूध में भिगो के रखी थी, उसी कारण ये लड्डू कड़वे नहीं लगते। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू सो मच।